दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन जो है वो आने वाला है, तो आज के इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड जो है वो 5 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि इस इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन में आपके फ़ोन में ये 5 एप्लीकेशन रहना चाहिए। और ये सारा कुछ इसका काम देखकर आप इतने ज़्यादा चौंक जाएंगे कि आप कहेंगे कि भाई इस एप्लीकेशन के बारे में आप कुछ दिन पहले क्यों नहीं बताएं। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इन 5 एप्लीकेशन के बारे में। तो लिस्ट में पहले नंबर पे आता है फोटो लैब। खैर इस एप्लीकेशन के बारे में पहले से बहुत लोगों को पता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में नया अपडेट आया हुआ है जहां से आप अपना इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन पर फोटो एडिट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं एक क्लिक में। जिन लोगों को पता नहीं इस एप्लीकेशन के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि आप सिर्फ एक क्लिक में अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड में इंडिपेंडेंस डे का कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको जाना है ट्रेंडिंग में। ट्रेंडिंग में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन पर जो वो फोटो मिल जाएगा बनाने के लिए। यहाँ पर अगर आपको इसमें से पसंद नहीं है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सर्च वाले आइकन पर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंडिपेंडेंस डे। ओके, और करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी सारे आपको फोटो बनाने के लिए है ऑप्शन, वो यहाँ पर आ जाएंगे। देख रहे हैं, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा आप इसमें से बना सकते हैं। अगर इस टाइप का बनाना चाहते हैं तो इस टाइप के बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें अपना फोटो डालना है और कुछ नहीं करना है, ना इसका बैकग्राउंड मिटाना है, ना कुछ इफेक्ट लगाना है। बस आपको इसमें फोटो डालना है और फोटो बनकर आपका रेडी हो जाएगा। तो इसमें बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मान लीजिए कि अगर आपको इस पर बनाना है तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है और करने के बाद यहाँ से अपने गैलरी से कोई सा भी फोटो ले लेना है, जिस फोटो को आप जो है वो बनाना चाहते हैं, और लेने के बाद आपका फोटो जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा कुछ इस टाइप का। तो ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया, अगर आप अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ट्राई करें। सो अगर दोस्तों आप इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में एक घंटे का आइकन आ जाएगा तो आपको इसे दबाकर यहां से ऑल कर लेना होगा दोस्तों। और साथ ही यहां पर आपको एक कॉमेंट करना होगा जैसे कि नाइस ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक कॉमेंट कर दें, मैं आप सभी का कॉमेंट पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता हूँ और उसे हट देता हूँ। ओके, तो चलिए जानते हैं आगे का प्रोसेस। लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है इंडिपेंडेंस डे स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। तो यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप पर इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड बहुत सारे स्टिकर किसी के पास सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको स्टिकर्स पे क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके सामने स्टिकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और उसके बाद अपने व्हाट्सएप में इसे ऐड कर लेना है। तो सिंपली यहाँ से ऐड करेंगे और करने के बाद ये जो स्टिकर है हमारे व्हाट्सएप में चला गया। तो चलिए मैं आपको व्हाट्सएप में चलकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना WhatsApp ओपन कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इस इमोजी वाले आइकन पे टैप करना है और यहाँ पर इस वाले आइकन पे थर्ड नंबर पे आपको टैप करना है। अब करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे आपके फ़ोन में, आपके WhatsApp में जो है वो स्टिकर आ गए हैं इंडिपेंडेंस डे का। तो यहाँ से डायरेक्ट आप जो है वो सेंड कर सकते हैं किसी के पास सिर्फ स्टिकर। तो ये भी बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है अपने फोन में तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ट्राई करें। लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है लिरिकली ऐप। तो यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन पर वीडियो एडिट कर सकते हैं और एडिट करना ज़्यादा झंझट नहीं है। बस आपको इस पर अपना फोटो डालना है और ये एप्लीकेशन सारा काम कर देता है, आपका फोटो का वीडियो बना देगा और जो है उस पर अलग अलग इफेक्ट लगा देगा। इसमें आप इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन दोनों का वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर जाना है आपको फेस्टिवल में। फेस्टिवल में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको फोटो डालना है और इसमें आपका सॉन्ग के साथ
वीडियो तैयार हो जाएगा। इसमें आपको कोई सॉन्ग भी नहीं डालना पड़ेगा और यहाँ पर लिरिकल जो है वो लिख कर भी आ जाएगा, जो जो सॉन्ग का जो है वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखा लिखा जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस डे का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपना इंडिपेंडेंस डे पर भी जो है वो वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेस्ट यहाँ पर है वीडियो। तो यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि अगर हमें रक्षाबंधन पे कोई वीडियो बनाना है तो उसे आप प्ले कर सुन लें कि आपका वीडियो जो है वो कैसा बनेगा। तो यहाँ से प्ले कर सुनना है और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा योजनाओं का। तो सिंपली यहाँ से योजनाओं करना है और अपना 3-4 फोटो जितना भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जितना फोटो का मिलाकर एक वीडियो तैयार करना चाहते हैं, उतने फोटो को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, और करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है और आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा, जहाँ आप जो है अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा सकते हैं, फेसबुक पर सेंड कर सकते हैं या फिर किसी के पास जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा और इसे अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ट्राई करें। लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है रक्षाबंधन फोटो फ्रेम। तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको स्टार्ट पर टैप करना है, और करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगा, और फिर से उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको जो है वो फ्रेम मिल जाएंगे जिसमें आप अपना फ़ोटो पर फ्रेम बहुत सारे लगा सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट जो है वो 13 आपको फ्रेम मिलेंगे, जो भी आपको इसमें से पसंद है उसे आप अपने फ़ोटो पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कि अगर ये पसंद है तो इस पर हम एक बार टैप करेंगे, और करने के बाद यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन है जहाँ से आप अपना फ़ोटो लगाकर लेकर और यहाँ पर जो है वो सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ये फ्रेम चेंज नहीं है तो डायरेक्ट यहीं से फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रेम पर कुछ टेक्स्ट वगैरह, अपना भाई बहन का नाम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप जो है इफेक्ट इसमें कुछ अलग अलग टाइप का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इमोजी लगाना चाहते हो तो इमोजी भी लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन, बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर ट्राई करें। लिस्ट में आखिरी और पांचवें नंबर पे आता है इंडिया इंडिपेंडेंस डे। तो ये एप्लीकेशन मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें हमें GIF, इमेज और स्टेटस तीनों एक ही एप्लीकेशन में मिल जाता है। यहाँ पर GIF में जाते हैं तो बहुत सारे GIF इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड मिल जाएंगे, जिसे आप अपने व्हाट्सअप पर, मैसेंजर पर, कहीं पर भी जो है वो सेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको इसमें इमेज चाहिए और अपने व्हाट्सअप पर DP भी लगाना चाहते हैं, अगर अपने फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहीं से आप जो इसे अपलोड कर सकते हैं, व्हाट्सअप DP में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपको जो है वो स्टेटस भी मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पर जाना है क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक डे में भी है, तो यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे आपको जो है वो सारे स्टेटस जो मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत, जो कि आप अपने व्हाट्सअप पर और फेसबुक पर किसी के पास सेंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का और बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस एप्लीकेशन को भी जरूर ट्राई कीजिएगा।